हम बनाने वाले हैं 3 DIY, वो भी फैब्रिक वाले DIY, मतलब कि हम फैब्रिक से आज DIY करने वाले हैं। मैं अपने लिविंग रूम का मेकओवर करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा सोफ़ा कवर और कुशन कवर और जो टेबल रनर होता है वो मैं अपने आप ही स्टिच करूँ और उससे ही मैं डेकोरेट करूँ इस बार अपने लिविंग रूम को। तो फर्स्ट DIY के लिए मैं बनाने वाली हूँ सोफ़ा कवर, तो जिसके लिए मैंने ले लिए है ये साड़ी, जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये प्लेन साड़ी है, बस इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर है, तो पूरे में इसको ऐसी बॉर्डर है पूरे साड़ी में, तो ये साड़ी रखी हुई थी। बट क्या है ना, ये साड़ी बहुत पतली है तो इसके पीछे हमें लाइनिंग लगानी पड़ेगी, और लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये अपनी पुरानी बेडशीट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बहुत फेड हो गया है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पुरानी बेडशीट, आप चाहे तो अस्तर जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं सोफ़ा कवर बनाने में, या फिर आप कोई ऐसा फैब्रिक ले सकते हैं जो मोटा हो और जल्दी से ख़राब ना हो, तो उसे भी अपना सोफ़ा कवर बना सकते हैं। तो आइए चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 5 सीटर का सोफ़ा सेट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 सीटर सोफ़ा का कवर बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो 1 सीटर का सोफ़ा है वो उसका तो एडजस्ट भी हो सकता है कपड़ा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका बनाने जा रही हूँ। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस लेंथ में मैंने साड़ी रखी तो इसका पूरा कवर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अब मैं ऐसे बिछा कर रखूँगी साड़ी, तो मुझे यहाँ पर डबल कट करना पड़ेगा कपड़ा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ बिछा के देख रही हूँ कि कितना मुझे यहाँ पर लेंथ और विड्थ चाहिए, जो अच्छे से टकिन भी हो जाए और पीछे भी चला जाए और आगे भी थोड़ा सा ही कपड़ा हमारा जो बचा है वो रहे फोल्ड करने के लिए रहे। तो ऐसे मैं 2 पार्ट यहाँ पर कट कर लूँगी, एक तो ये पार्ट हो गया जो यहाँ से मैं नीचे कट कर लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। साथ में अब मैंने यहाँ पर लाइनिंग यहाँ पर कट कर ली थी इसके अकॉर्डिंग, और अच्छे से मैंने दोनों को यहाँ पर बिछा लिया है। स्टिच करने से पहले या तो आप इसे कच्चा कर ले या फिर मेरी तरह ही इसमें पिन लगा ले, तो पिन लगाने से क्या होता है ना, हमारा जो लाइनिंग लगा है और जो ऊपर का कपड़ा है हमारा मेन फैब्रिक है वो हिलता नहीं है और अच्छे से हमारा स्टिच हो जाता है। चारों तरफ से मैंने अच्छे से यहाँ पर स्टिच कर लिया है, और साथ ही में जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट कर रहा था उसको भी मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है चारों तरफ से। अब मैं बिछा के देख रही हूँ इसकी लेंथ वगैरह प्रॉपर है या नहीं है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसे उल्टा रखते हुए एक स्टिच कर लेना है। मैं इस फैब्रिक को फोल्ड नहीं करने वाली हूँ, तो मैंने इसमें पाइपिंग लगाई है, मैं आपको आगे दिखा दूंगी। सोफ़ा कवर तो हमारा तैयार हो गया है, अब टेबल रनर भी हम तैयार कर लें। तो ये पल्ले का पार्ट बहुत सुंदर सा लग रहा था मुझे, तो इसको मैंने कट कर लिया है, साथ में मैंने लाइनिंग भी कट कर ली है। 3 तरफ हमें इसमें सिलाई लगाएंगे, और एक तरफ से जहाँ हमारा खुला बचेगा उधर से पलट के फिर चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे, तो हमारी इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। साथ में आप ये देख रहे हैं लाइन, यहाँ पर मैं गोटा पट्टी लगाने वाली हूँ और इससे हमारा रनर और अच्छा बन जाएगा। गोटा पट्टी लगाने से हमारा टेबल रनर में कितना अच्छा सा लुक आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स आ गई है। बट ये अभी भी अधूरा है, इसमें अभी हमें और थोड़ा सा वर्क करना है, वो अभी हम आगे करते हैं। अभी मैं इसमें हैंगिंग लटकाऊंगी, यानी कि मैं लटकन इसमें बना के लटकाऊंगी, तो ये थोड़ा और हैवी हो जाएगा। और साथ ही मेरे पास गोटा पट्टी वाले जो फ्लावर आते हैं वो भी रखे हैं, और वो भी हम इसमें लगाएंगे। ये तो हमारा थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, और हमारा सोफ़ा कवर बिल्कुल तैयार हो गया है। बट इसमें प्रेस करना है, जब इसमें मैं इसे प्लेस करूँगी अपने सोफ़ा पे तो थोड़ा सा प्रेस करना है। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये हम जो किनारे पे ये लगाया हमने पाइपिंग लगाई, इससे हमारा पूरे सोफ़ा कवर का लुक ही चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, वरना आप ये पाइपिंग लगाएंगे तब जाकर तब आपका ज़्यादा अच्छा लुक आएगा सोफ़े कवर का। तो मेरा सोफ़ा कवर भी बनके तैयार हो गया, अब चलिए इसकी लटकन बना लेते हैं। और हाँ, कुशन कवर भी तो रह गए, वो भी बनाने हैं, चलिए वो भी बना। सोफ़ा कवर हो गया है हमारा रेड कलर का, तो मैं यहाँ पर कंट्रास्ट में रखने के लिए कुशन कवर व्हाइट कलर की ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पास पुराना ही ये फैब्रिक पड़ा हुआ था व्हाइट कलर का, तो उसे मैंने कुशन का रख के साइज़ कट कर लिया है। तो ये मेरा 16x16 का कुशन कवर है, और इसके हम एक फ्रंट फैब्रिक और जो बैक फैब्रिक हम लोग कट करेंगे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, जिससे कि हमारा पीछे से फोल्ड हो सके।
तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट कट करके निकाल लिए हैं। साथ ही में हम जो ये फैब्रिक देख रहे हैं एक्स्ट्रा, उसमें भी हम एक कट लगा लेंगे और दोनों को जरा हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे, यानी कि जो हमारा पार्ट कटा हुआ है वहाँ फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे। और अब इसमें हम लगाने वाले हैं लेस। तो लेस के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड कलर की, बहुत ही खूबसूरत लेस रखी है। ये मैं अपने काना के लिए ड्रेस बनाने के लिए लेके आई थी, तो उसमें वो ये बच गई थी, तो अभी इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं इस तरह से यहाँ पर स्टिच करने वाली हूँ। कुशन का लुक कुछ ऐसा आएगा। साथ ही में हम जो बैक साइड हमारा था उसको रख के हम स्टिच कर लेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा मैं कहाँ स्टिच करने की बात करी थी। तो दूसरा वाला कवर मैं कुछ इस टाइप का स्टिच करने वाली हूँ, यानी कि लेस जो है मैंने अलग अलग तरीके से लगाई है। मैंने यहाँ पर 3 कुशन कवर बनाए हैं और तीनों में मैंने अलग अलग करके लेस स्टिच करी है, तो बहुत खूबसूरत हमारे ये कुशन कवर लगने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बना रही हूँ रनने के लिए लटकन। तो यहाँ पर मेरे पास नेट रखी थी और नेट का मैंने यहाँ पर सर्कल कट कर लिया है। साथ ही मैं थोड़ा सा नेट का पार्ट लेके हम जिस तरह आप लोग देख रहे हैं उस तरह हम लोग इसको रेडी कर लेंगे और अच्छे से टाइटली हम नोट लगा लेंगे। आप इसमें सिलाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो हमारे पास ये रील रखी है वो उसको मैं लपेट रही हूँ और ऐसे मैंने 6 बना लिए हैं, क्योंकि एक रनर के साइड में 3 लटकाने वाली हूँ। साथ में हम ले लेंगे सुई धागा और उसमें हम मेरे पास ज़्यादा मोती नहीं थे, तो जो मेरे पास मोती थे वो मैंने लगा के इसे तैयार कर दिया है। और इसी के साथ हमारे टेबल रनर और सोफ़ा कवर कुशन कवर बनके तैयार है। पूरी वीडियो देख के जाएगा तब आपको पूरा लुक फाइनल लुक देखने को मिलेगा। कैसे लगे आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चैनल पे नए हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।